गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियोस में हमने देखा था स्टेटिशियल एवरेजेस में अर्थमेटिक मीन हम इंडिविजुअल सीरीज़ में और डिस्क्रीट सीरीज़ में कैसे कैसे निकालेंगे, जिसमें हमने दो मेथड देखे थे, डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अर्थमेटिक मीन कंटिन्यूस सीरीज़ में किस तरह से निकालेंगे। इसमें हम तीन वीडियोज़ बनाएंगे। एक वीडियो होगा हमारा डायरेक्ट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, एक उसको शॉर्टकट से कैसे करेंगे, और कंटिन्यूस सीरीज़ में और आसान करने के लिए शॉर्टकट की एक और मेथड है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। तो इन तीनों विधियों की तीन वीडियो मैं एक ही एग्जांपल से समझाऊंगी, यानी सेम एग्जांपल को हम पहले करेंगे डायरेक्ट से, अगले वीडियो में करेंगे शॉर्टकट से, उसके अगले वीडियो में देखेंगे उसी को हम स्टेप डेविएशन मेथड से। कंटिन्यूस सीरीज़ में एक्सपा निकालते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि यदि हमारा क्वेश्चन अरेंज नहीं है, जैसे हमें क्लासेस की जगह हमें मिड वैल्यूज़ दे रखी हैं, या क्लासेस हमको लेस देन मोर देन में दे रखा है, या हमारा मिक्स क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ढंग से अरेंज नहीं है, या हमारी क्लासेस अरेंज नहीं है, तो पहले हमें क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सेट करना होगा, सही व्यवस्थित करना होगा, और व्यवस्थित करने के बाद हमें उसमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड में कंटिन्यूसली बताती हूँ फार्मूला क्या होगा हमारा। यहाँ पर फार्मूला हमारा हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। फॉर्मूला यानी हमारा सेम वही होगा जो डिस्क्रीट सीरीज़ में था। यहाँ पर एन का मतलब वही हो जाएगा हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी, पर यहाँ पर ध्यान रखना है यहाँ पर एक्स गिवन नहीं है, तो यहाँ पर एक्स हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स का मतलब हो जाएगा हमारा मिड वैल्यू, जिसको हम मिड वैल्यू, सेंट्रल साइज या सेंट्रल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मिड वैल्यू पहले हमें निकालनी होगी L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2 से, और ये हमें पता ही है कि यहाँ पर L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, यानी जहाँ से क्लास हमारी शुरू होती है। L2 हो जाएगा हमारा यहाँ पर अपर लिमिट, यानी जहाँ पे क्लास हमारी एंड होती है। तो दोनों को जोड़ के उसका हम एवरेज निकाल देंगे, तो वो हमारी हो जाएगी यहाँ पर मिड वैल्यू, जिसको हम यहाँ पर एक्स मानेंगे। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होगी, फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे जो मैंने ये एग्जांपल लिया है, इस एग्जाम्पल से पहले देखेंगे कि हमें ये क्वेश्चन व्यवस्थित है कि नहीं है। तो यहाँ पे सूचना देखिए हमें लेस देन दे रखी है, तो ये ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन की सूचना लेस देन में, मोर देन में दे रखी हो या मिड वैल्यूज़ लिखा हुआ हो, तो वो क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ का ही होता है। इससे से कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सिंपल हमें एक वैल्यूज़ दे रखी है तो ये इसको हम एक्स मान लेंगे, इसको एफ मान लेंगे। यदि क्वेश्चन लेस देन में है, या सूचना हमारी मोर देन में है, या सूचना में हमें मिड वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो तीनों ही क्वेश्चन हमारे कंटिन्यूस सीरीज़ के होते हैं। तो उसको हम व्यवस्थित करके फिर सॉल्व करेंगे कंटिन्यूस के फॉर्मूले से। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन हमें लेस में दे रखा है, तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है लेस देन सेवन, लेस देन फोर्टीन, लेस देन ट्वेंटी वन, लेस देन ट्वेंटी एट, लेस देन थर्टी फाइव, लेस देन फोर्टी टू, लेस देन फोर्टी नाइन एंड लेस देन फिफ्टी सिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हमें दे रखे हैं, ये हमें हाइट दे रखी है। नंबर ऑफ़ ट्रीज़ हैं 26, 57, 92, 134। तो ये हमारी सी एफ है, क्योंकि लेस देन मोर देन क्वेश्चन में एफ नहीं होती है, हमारी सी एफ होती है। तो यहाँ में हमें क्लासेस भी अरेंज करनी होगी, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी भी अरेंज करनी होगी, उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे क्वेश्चन हमारा लेस देन में दे रखा है, तो ये मैंने समझाया था आपको एक वीडियोस के अंदर कि जब भी क्वेश्चन लेस देन में होता है तो जो सूचना हमें दे रखी होती है ये हमारा L2 है। तो जो हमें दे रखा है यहाँ पे 7, 14, 21, 28 जो दे रखा है, ये हमारा L2 यानी अपर लिमिट है। तो क्लासेस बनाने के लिए मुझे L1 और L2 चाहिए, तो मुझे पता है फर्स्ट L2 है जो हमारा वो 7 है, नेक्स्ट 14 है, देन 21, 28, 35, 42, 49 एंड 56। L2 तो मुझे पता है, L1 हमको निकालना होगा इसमें, तो L1 हम इसी तरह से निकाल लेंगे। जैसे पहली क्लास एंड हो रही है 7 से, तो सेकंड क्लास हमारी 7 से स्टार्ट होगी। सेकंड क्लास एंड हो रही है 14 से, तो ये हमारी 14 से स्टार्ट होगी। ये हमारी 21 से स्टार्ट होगी, ये हमारी 28 से स्टार्ट हो जाएगी। यानी क्लास जहाँ से एंड होती है नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट होती है। तो जैसे 35 पे एंड है तो 35 से स्टार्ट हो जाएगी, 42 से एंड है तो 42 से स्टार्ट हो जाएगा, ये 49। पहली क्लास हमारी ओपन क्लास है, जस्ट पास वाली क्लास का गैप देखेंगे 7 का है, तो यहाँ पे हम 7 का गैप दे देंगे, तो पहली क्लास बन जाएगी हमारी 0 टू 7।
मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यदि क्वेश्चन हमारा लेस देन में है, मोर देन में है या मिड वैल्यू सेंटर वैल्यू लिखी हुई है, तो वो क्वेश्चन हमारा कंटिन्यूस सीरीज़ का ही होता है। उसमें पहले हमें क्लासेस बनानी होंगी। यदि फ्रीक्वेंसी अरेंज नहीं है, जैसे लेस देन मोर देन में हमारी एफ नहीं होती है, सी एफ होती है, तो हम फ्रीक्वेंसी अरेंज करेंगे, फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। अब फ्रीक्वेंसी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी हमारी 26 एज इट इज़ आ जाएगी, उसके बाद हम घटाते जाएंगे और फ्रीक्वेंसी हमारी बनती जाएगी। तो 57 माइनस 26, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 31, उसके बाद 92 माइनस 57 ये आ जाएगी हमारी 35, उसके बाद 134 माइनस 92 ये आ जाएगी हमारी 42, नेक्स्ट 216 माइनस 134 ये आ जाएगी हमारी 82, नेक्स्ट 287 माइनस 216 ये आ जाएगी हमारी 71, 341 माइनस 287 ये आ जाएगी हमारी 54, और लास्ट 360 माइनस 341 ये आ जाएगी हमारी 90। इस तरह से हमारी क्लासेस बनेंगी, फ्रीक्वेंसी बनेगी, अरेंज होगी, उसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चूंकि मेरे पास जगह कम है, तो मैं वापस से क्लासेस बना रही हूँ यहाँ पर, 0 to 7, 7 to 14, 14 to 21, 21 to 28, 28 to 35, 35 to 42, 42 to 49, 49 to 56, और फ्रीक्वेंसी आ जाएगी हमारी 26, 31, 35, 42, 82, 71, 54 एंड 19। टोटल हमारा वही आ जाएगा, n इक्वल्स टू 360। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला था हमारा, वो था x बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे n का मतलब है टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमें दे रखा है यहाँ पे 360। एफ एक्स हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर x गिवन नहीं होता है, तो यहाँ पर x भी निकालना पड़ेगा। x का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाता है आपका मिड वैल्यू, यहाँ पर x हमारा होगा मध्य मूल्य, फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो जैसे पहली क्लास हम ले लेंगे, तो उसका L1 है 0, L2 है 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारा आ जाएगा 3.5। जैसे हम दूसरी क्लास ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 7 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 10.5। तीसरी क्लास ले लेते हैं, तो हम 14 प्लस 21 डिवाइडेड बाई 2, 17.5। इस तरह से हमारी x या मिड वैल्यूज़ निकल जाएंगी। तो पहला x हमारा यहाँ पर आ रहा है, जिसको हम मिड वैल्यू बोलेंगे, ये होगी हमारी 3.5। दूसरी आ रही थी हमारी 10.5, तीसरी आ रही है 17.5। यदि हमको पता है कि वर्ग अंतराल हमारा समान है, इक्वल है, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब 7-7 के गैप से भरती जाएगी मिड वैल्यू। तो जैसे 3.5 प्लस 7 10.5 हो गया, फिर प्लस 7 17.5 है, तो प्लस 7 करके 24.5 हो जाएगा, फिर प्लस 7 31.5 हो जाएगा, फिर प्लस 7 38.5 हो जाएगा, देन फिर प्लस 7 कर देंगे। यानी वर्ग अंतराल हमारा आई यदि सेम है, तो हमें बार बार मिड वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम वर्ग अंतराल को जोड़ते जाएंगे, हमारी नेक्स्ट मिड वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 40.5 और ये हो जाएगा 52.5। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे एफ एक्स। 3.5 को मल्टीप्लाई करना है 26 से, तो ये हमारा आ जाएगा 91। 10.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, 325.5। 17.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो ये हमारा आ जाएगा 612.5। 24.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 से, तो ये आ जाएगा 1029। 31.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 82 से, 2583। 38.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 71 से, 2733.5। 45.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से, 2457
और 52.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, तो ये आ जाएगा 997.5। तो हम ऐसे एफ को एक्स से गुणा करेंगे तो ये हमारा एफ एक्स आ जाएगा। इसका टोटल हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स, जो यहाँ पर आ रहा है 10,829। निकाल लें फार्मूला। फार्मूला था हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। सिग्मा एफ एक्स आ रहा है 10,829, एन है हमारा यहाँ पर 360। तो 10,829 में 360 अपन डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 30.08 अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरह से सॉल्व करना है हमको कंटिन्यूस सीरीज़ में एक्स बार। डायरेक्ट मेथड से इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। ध्यान रखना है कि यहाँ पे चूंकि क्लासेस गिवन होगी तो पहले आपको क्लासेस में मिड वैल्यू से एक्स निकालना है। L1 प्लस L2 यानी L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ऐसे 7 प्लस 14 बटा 2, ऐसे 14 प्लस 21 बटा 2। और या फिर ऐसे भी कर सकते हैं कि सब में वर्ग अंतराल समान समान है, जैसे साथ साथ का गैप है, तो फर्स्ट L1 हमारा अपनी मिड वैल्यू आगे 3.5, तो इसमें हम 7 प्लस करते जाएंगे तो हमारी फर्दर मिड वैल्यूज़ निकल जाएंगी। उसको मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जैसे हम डिस्क्रीट में करते हैं वैसे ही, तो हमारा आ जाएगा एक्स बार